मियां बीबी 7 साल से शादी शुदा, छोटी छोटी उम्र होती है और इनकी शादियाँ हो जाती है। हस्बैंड सिस्टर मदर, ये भाई साहब ईरानी फैमिली जो ये मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस टाइम आधी दुनिया में फिर रहा हूँ तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? यकीनन ऐसा ही है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी इस्फहान में, और इस्फहान को निस्फ जहाँ कहा जाता है। जब मुगल दौर था तो यहाँ के जो शाह थे, सल्तनत मुगलिया के बादशाह जो थे ना, उन्होंने यहाँ के शाह को एक पैगाम भेजा था और कहा था कि आओ हिंदुस्तान में रह के जाओ, कुछ रातें यहाँ पे गुजार। तो उसने जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की हजारों रातों से इस्फहान की एक रात बेहतर समझता हूँ। उस टाइम भी यही जाना जाता था कि इस्फहान निस्फ़े जहाँ है, और इस्फहान की इस कदर खूबसूरती कि आपको शायरी में भी इसके मुतल्लिक अल्फाज मिलते। अब मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फिलासफर हूँ कि तुम्हें मैं सुनावा। इसकी खूबसूरती की असल वजह ये है, एक तो ये ठंडा है, दूसरी बात यह कि इसके ना दरमियान में से एक इंतहाई खूबसूरत पुरकशिश दरिया गुजरता है जो इसकी खूबसूरती को मजीद दुबला कर देता है, जिसकी वजह से ना पूरे ईरान नहीं बल्कि मैं समझता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी अदबी लोग हैं, जो भी शायर लोग हैं, वो इसके बारे में जरूर जानते हैं और इसकी तारीफें भी करते हैं। लेक्चर बहुत हो गया, मजीद बता देता कि हम लोग सुबह यहाँ पे पहुँचे और हॉस्टल वगैरह हमने ले लिया, जो है वो हमें मिला है तकरीबन पाकिस्तानी 1200-1500 पर पर्सन का मिल गया, जो कि 2500-3000 दो जनों का मिला। यहाँ पे जो रोड क्रॉस करना है वो हल्का सा रिस्की है, इतना ईजी नहीं है। लाहौर वाला तो खैर चल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा काम मुश्किल हो जाता है। सलाम सलाम, पाकिस्तानी है, गर्दिश करी अच्छा। यार एक सीन चेक करें आप, ये जो फन तमीर है ना, ये आपको ईरान की वैसे तो बहुत ज़्यादा मस्जिद में मिल जाएगी, लेकिन ये एक ब्लू मस्जिद है, ब्लू मॉस्क जिसको बोलते हैं, वो इधर दरिया के साथ ही है। तो ये जो है ना, ये मस्जिद ब्लू मॉस्क की अकासी करती है, इसीलिए इसको ब्लू रंग दिया गया। तो वो भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा, ये साथ ही दरिया है। तो पहले ये सामने बाजार आ जाता है। अच्छा यार, ये नहीं पता कि ये दुकानें आज इतनी ज़्यादा बंद क्यों हैं, वरना अक्सर ऐसा नहीं होता कि इस्फहान में आप आएँ और आपको दुकानें बंद मिलें, बल शॉप्स बंद हैं। और उसके मेरे नज़दीक बंद होने की ये वजह है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं ना, वो कराची या लाहौर की तरह लेट ही खुलती हैं, जल्दी नहीं खुलती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर धूप भी हो ना, तो फिर भी आप छाँव में चलें तो आपको ठंडी ठंडी हवा लगेगी। अपने पिछले ट्रिप पे मैंने ना ज़्यादा दिन गुजारे थे शिराज में, लेकिन इस दफ़ा मैंने चूज़ किया है कि मैं दिन जितने मर्ज़ी गुजारूँ इस्फहान या ईरान में, लेकिन जितना ज़्यादा मुमकिन हो मैं एक्सप्लोर करूँ। दुकानों के बंद होने की एक और बड़ी वजह भी हो सकती है, वो इंटरनेट की बंदिश है जो हाल ही में होने वाले प्रोटेस्ट की वजह से हुई है ना। ख्वातीन ने प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे निकल आई, उसके नतीजे में जो है ना, जो हिजाब के हक में ख्वातीन थीं वो भी सड़कों पे निकल आई। तो दो ग्रोह जो हैं, यानी एक इनकलाब के हक वाले और दूसरा एंटी इनकलाब, वो दोनों सामने आ गए। तो जब आमने सामने आए तो उनमें लड़ाई झगड़े या ये मामला तो होने लग गए, फोर्सेस भी सामने आ गई। लेकिन वो एक जो फोर्स सामने आई है ना, वो अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी मकामी पुलिस है। मैंने एक दोस्त से बात की, उसने मुझे बताया जो अभी ये जो मामला चल रहे हैं ना हल्के फुल्के, चूँकि अभी इतना ज़्यादा नहीं है, हमदान वाली साइड पे हैं, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, या कुर्दिस्तान वाली साइड पे हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये जो मामला हुआ है और जो फोर्स आपको उनके सामने या उनके मुतजाद दिखाई दी है, वो फोर्स इनकी मकामी पुलिस है, जो कि एक लोकल पुलिस होती है, किसी भी थाने से आके मामले को हल करने आती है। एक ना इन्होंने स्पेशल फोर्स बना के रखी है जो इनकलाब को उसको मेंटेन रखने के लिए इन्होंने बना रखी थी, जिसको इनकलाबी फौज भी कहा जाता है। तो वो तो अभी बाहर निकली नहीं है, उसने तो कोई सरगर्मी परफॉर्म की नहीं है ना, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मकामी पुलिस का काम है। और मेरा दोस्त बता रहा था जो कि ईरानी था, हो सकता है वो हमायती हो इसलिए, लेकिन उनके बकौल के यार जब फोर्स आ जाएगी ना सामने इनकलाब वाली, तो फिर वो बहुत हैवी फोर्स है, और अल्लाह ना करे ऐसा शब खून दिखाई दे सड़कों पे, अल्लाह माफ़ करे ऐसा ऐसी कोई एक्टिविटी हो, लेकिन ना हालात बहुत ही नाजुक हैं। लेकिन अभी काफ़ी हद तक पुलिस ने हालात को कंट्रोल कर लिया है, और जो है मामलात वो कंट्रोल हो चुके हैं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो आपको सामने एक मूर्ति नज़र आ रही है या नक्शा नज़र आ रहा है, ये एक पुलिस फोर्स के जवान की है जो कि शहीद हो चुका है, तो उसकी याद में या उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए इन्होंने इस चौक में इसको बना दिया। ये सामने शहीद भी लिखा हुआ है, सरदार शहीद मोहम्मद रज़ा हबीबुल्ला। यहाँ पे भी ये टेलीफोन बूथ बने हुए हैं जहाँ पे पुलिस और फायर और एम्बुलेंस वगैरह का ऑप्शन है, और उसके साथ साथ अगर आप इसमें सिक्का डालते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये सरकारी टेलीफोन है और हमारे यहाँ पहले पहले हुआ करते थे लेकिन बाद में बंद कर दिए गए। लंदन में इस तरह के अभी भी हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि ये लोग हमसे पीछे हैं, बल्कि उन्होंने एक आवाम को सहूलत दे रखी है कि अगर एक बंदे के पास मोबाइल होता है नहीं भी होता तो भी वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। लगता है शायद किसी से पूछना ही पड़ेगा। ख्वाजा पुल यहाँ से कितना दूर है? پول خواجہ باب بپرسید اچھا اوکے جسٹ اونلی ون ٹرن اونلی ون ٹرن دس ون اینڈ دین آئی ول ریچ 5 منٹس اوکے 5 منٹس 20 نو پرابلم تھینک یو سو مچ بول رہے ہیں کہ آپ سامنے جائیں سامنے جانے کے بعد آپ نے ایک ٹرن لینا ہے 5 منٹ دور ہے خواجہ پور گوگل میپ تو یہاں پہ کام ہی نہیں کر رہا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ٹرپ کو یہ چیز مار دے رہی ہے اگر کاش یہاں پہ آج انٹرنیٹ ہوتا نا تو آج ہمارے ساتھ ایسے نہ ہوتا انٹرنیٹ کی وجہ سے نو پاکستان میں آگے پل خواجو کی طرف جا رہا ہوں تو رستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم بھی وہیں پہ جا رہے ہیں تو یہ میرے لیے زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں اور اگر چلتا بھی ہے تو وی پی این کے ساتھ چلتا ہے وی پی این کے بنا چلتا نہیں اور یہ لوگ بہت اچھے ہیں آئی سے یو آر سو گڈ ایکچولی آئی ڈونٹ نو فارسی دیٹ از اے بگ پرابلم آئی اونلی نو انگلش ما دوست عزیزمون رو سوار کردیم اینجا نمیشناخت جاییو داریم میرسیم تا پل خواجو به عنوان یه مهمان دوست عزیزمون تانکی سو مچ زنده باشه اصفهان خوب تبلیز تمیز خوب اصفهان اصفهان خوب I live in Tabriz. Tabriz? Tabriz. Tabriz, I know that Tabriz. Okay, okay. تو بھائی صاحب کا جو گھر ہے نا خانہ تبریز مہمان 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 اوکے I got it. یہ بھائی صاحب بھی یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو خیر بہت اچھے لوگ ہیں یار یقین کریں میں تو حالانکہ پیدل جا رہا تھا اور انہوں نے مجھے لفٹ دے کے اپنے ساتھ لے لی مارکیٹ از کلوزڈ بند 5 o'clock will open. Open. سارے کے 5 o'clock کے بعد یہاں پہ کھل جائیں گے ایکچولی بیکاز آف فرائیڈے جمعہ آف فرائیڈے جمعہ دیٹس وائی کلوز شنبے کلوز کلوز اوکے تو جمعے کی وجہ سے یہاں پہ کلوز تھی اور مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ آج جمعہ ہے ٹمارو اوپن اوکے اوکے ٹمارو 5 اوپن اوکے تو کل یہ کھلیں گی شاید پتہ نہیں آج تو نہیں کھلنے والی لیکن خیر ابھی ہم پل خواجہ کی طرف جانے لگے یو آر سو گڈ برادر یو آر سو گڈ تھینک یو سو مچ تھینک یو اسپیک انگلش اوکے لٹل بٹ اسپیک ترکیش آذریش فارسیش آئی کین اسپیک پنجابی پنجاب ہندی ہندی اردو سندھی سرائیکی آئی نو فائیو سکس لو مووی باہوبلی ہاں باہوبلی یو نو باہوبلی باہوبلی ہندی مووی ہاں نائٹ ہاں چی میشه هر شب دس مان ایوری نائٹ ایوری نائٹ باہوبلی او مائی گاڈ نائن تا 11 باہوبلی 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 اچھا میرے شاید پہلے میں بول زندگی باہوبلی لونگ باہوبلی او مائی گاڈ بٹ اٹس یو نو ویری او ایکشن مووی ہاں یہ
तो खैर ना भाई साहब बता रहे कि उनको बाहुबली मूवी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इंडियन मूवीज़ का तो खैर बहुत ज़्यादा क्रेज है इन लोगों को, इंडियन सॉन्ग और इंडियन दिस इज खाजुको उन कुशु के तमाम भैया so big problem yeah because it is summer iran is water is very low that's why it's going behind the dam and then open is on dam okay wang church okay I got it wang church I'm go naqsh jahan okay alan I'm go naqsh jahan ahang music no no problem okay. yes please play एक कुल है वहाँ पे उनकी ना जो वालदा है वो इंतज़ार कर रही हैं, उसके बाद वो मुझे वहाँ पे छोड़ देंगे जो भाई साहब ने मुझे किला बताया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके वो भी देख लेता हूँ और आपको भी दिखा दूंगा। रिचार्ज सबसे ज़रूरी है, लेकिन रिचार्ज के बिना आज हमारा गुजारा नहीं होगा और सब शॉप्स बंद हैं, रिचार्ज नहीं मिल रहा। माई म्यूजिक आई कैन अंडरस्टैंड इट माई म्यूजिक डाउनलोड्स आपको क्रेज है इसका ना, बाहुबली के गाने चला रखे ईरान बैड बैड या बट इन ईरान गुड हां या इंटरनेट बैड ईरान मसल Daesh, Cenk, ولی نو نو Cenk mi şey var. İran var. İran no var. Yeah. İran good. Yeah, yeah. In Pakistan it's totally peace. Pakistan also good. No problem. İnternet kuşim ho. Pakistan var. No var. No var. Huh? Pakistan İran good. Yeah, yeah. But on internet, on news, haber, it's show like oh war. But in reality, it's mesela, no peace. I am mesela no Pakistan, no Afghanistan. Yeah. Tabriz. Going. Kashan, Isfahan, Shiraz, Qish. Dubai. Dubai, Qish, Kashan, Shiraz, night dishab. Night. Only Gardeshi. Gardeshi. Going Tabriz home. Okay. And Nam, this pool, what's the name of this pool? Siosepol. Siosepol. Street 33 भाई साहब ने अपनी वालदा को यहाँ से पिक कर लिया है, अभी हम नक्शा जहाँ स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, बता रहे को बड़ा इंटरटेनमेंट टाइप एरिया है। 4 मिनट अवे फ्रॉम हियर خواهش میکنم I am Turkish Turk living میشه خونه home خانه home آذری لنگویش آذری I'm ایرانی آذری بھی آتی اور ترکیش بھی آتی ہے وہ بتا رہے ہیں your شهلا nice to meet you آیسان husband sister mother you are she's your wife. Okay. Yes. 7 years. 7 years married from 7 years. 7 years ago, married. Early. He's 70, 80 married. My mother. Mary. همین جوری میده آدم عره بگیره. واسه من پیدا کنم نمیتونم پیدا کنم بگم. تو بوره که ہمارے یہاں نا یہ رسم ہوتا ہے کہ ہم جلدی شادی کر لیتے ہیں. یہ بھائی صاحب کے پیچھے وائف بیٹھی ہے. یہ میاں بیوی 7 سال سے شادی شدہ ہیں. مطلب چھوٹی چھوٹی عمر ہوتی ہے اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے یار. اتنی کم عمر میں شادی کر لینا. Excuse me, how old are you? 23. Yeah, okay. Yeah. Networks got married early. Okay, got it. Yeah. Got it. Parking. Naqshe Jahan. Naqshe Jahan. This one. Parking. Naqshe Jahan. Okay. तो खैर हम अभी गाड़ी से उतर गए और भाई साहब के साथ जो है ना आगे हम नक्शे जहाँ की तरफ जाने लगे, और नक्शे जहाँ जो है ना सुना बहुत ज़्यादा है उसके बारे में, और ये सामने वो आपको नज़र आ रहा है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और मुझे नहीं पता इसका एंट्री गेट कहाँ पे है। हैव टू गो दिस वे। नो गो उमर गो।
पहले भाई सब कहते यहाँ से दाखिल हो, जब देखा कि दरवाजा नहीं तो फिर कहते वापस लौट जाओ। ओके इन नोट्स। ओके हाँ, लेट मी आई विल टाइप हियर इन इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश Instagram. अभी हम लोग आगे जा रहे हैं नक्शे जहाँ स्क्वायर की तरफ ना। ये भाई साहब ईरानी फैमिली जो ये मेरे साथ है बहुत ही अच्छे लोग हैं कसम से यार। ये इतना पाकिस्तान में कोई नहीं करता, लेकिन हाँ टूरिस्ट की तो खैर बहुत इज्जत कदर करते हैं। अच्छा आप ये देखें यार, ये सारे कच्चे घर बने हुए हैं ना इधर, ये पक्के नहीं हैं। अपनी जो है ना पुरानी रिवायत को जिंदा रखने के लिए इन्होंने इसको दोबारा मेंटेन कर दिया, वरना अगर शहर में इतने बड़े बड़े बना सकते हैं ये कैसे हो सकता है कि जो सिटी सेंटर हो वो इस तरह कच्चा हो। लेकिन इन लोगों ने इसको बचा के रखा हुआ है। नक्शे जहाँ के अंदर इंटर होने लगे और भाई साहब को मैंने बोला भी एक सिम रिचार्ज के बारे में, वो कहते हैं हिसाब लगा देते ना, वो मेरे साथ ही से रब्ता भी नहीं हो रहा और बेचारा सोच रहा होगा कि शायद मैं उसे छोड़ के भाग गया हूँ। तो खैर ऐसा सीन नहीं है। आप सीन चेक करिए सामने, ये है नक्शे जहाँ, दिस इज़ द एंट्रेंस। एंट्रेंस दाखली दरवाजा, दाखली। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने ना कभी किसी फॉरनर से बात नहीं कर रहा हूँ, पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ, और मैंने पहली दफ़ा बात की ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये खैर सारा अंदरून है नक्शे जहाँ स्क्वायर का, खूब चेक करो भाई साहब, ये है नक्शे जहाँ स्क्वायर। क्या खूबसूरती है भाई जान, क्या खूबसूरती है, खूब 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 खूब। देर इज़ अ मार्केट फ्राम हेयर टू 60 ईयर एंड रही है। वो भाई साहब कह रहे हैं कि 600 साल पुरानी मार्केट से यहाँ पे। अच्छा सेम सेम लाइक मी। अच्छा तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप जब भी BBC ओपन कर लें या कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ ओपन कर लें तो वो दिखाता रहता है कि ईरान में वार हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये वो। तो आप ये देख सकते हैं कि ईरान में ऐसा कुछ सीन नहीं है, सब हालात ज़िंदगी जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे ना। खैर नाज़रीन नक्शे जहाँ में मैं आ गया हूँ इसकी हिस्ट्री का भी मैं आपको बता दूंगा और इसके शॉर्ट्स वगैरह भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्लॉग ज़्यादा लेंथी कर दूंगा मैं ना। इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, अपने रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अभी हम भाई साहब के साथ गपशप लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।